वाही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। बिहार की सियासत पे एक बार फिर से हलचल देखने को मिल रही है। नीतीश कुमार अब लग रहा है कि फिर से पलटी मार सकते हैं। वहीं बीजेपी कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाकर फंसती हुई नजर आ रही है और सम्राट चौधरी का बड़बोलापन जिस तरीके से उनको लेकर डूबा है, माना ही जा रहा है कि बिहार की सियासत में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा उलटफेर हो जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार सबके हैं या फिर बीजेपी के हैं, ये अभी डिसाइड होना बाकी है। अब झारखंड की अगर बात कर ले तो झारखंड में जिस तरीके से नीतीश कुमार ने अपना दबदबा दिखाया, 11 सीटों पर अपना कब्जा कायम कर लिया है। अब क्या बिहार के विधानसभा सीटों के लिए भी नीतीश कुमार एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर प्रेशर बनाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इस बार जो केंद्र की सरकार है नीतीश कुमार और टीडीपी के रहमो करम पर बनती हुई दिखाई दी है। तो ऐसे में नीतीश कुमार को दरकिनार किया जाएगा या फिर पार्टी में उनकी जो इज्जत पहले थी वो आगे भी बनी रहेगी, इसी सब मामले पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आश्रुति है। आश्रुति, क्या लगता है कि बिहार की राजनीति जिस तरीके से करवट लेती हुई नजर आ रही है, विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ आते हुए दिखाई दे रहे, विशेष राज्य का दर्जे का मामला है, 30,000 करोड़ की मांग की गई थी बिहार में विकास कार्यों को लेकर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बार के बजट में 26,000 करोड़ ही दिए हैं, तो क्या लगता है कि इन सब मामलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू में फूट पड़ती हुई नजर आएगी? वहीं अगर सम्राट चौधरी की बात करें तो उनका जिस तरीके से पद छीना गया है, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका कितना असर होने वाला है? देखिए, कहीं ना कहीं माही, अगर आप थोड़ा गौर करें बिहार की सियासत में, अगर शुरुआत से शुरुआत करके थोड़ा दर्शकों को समझाएं, तो नीतीश कुमार जब बिहार की मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठे थे और जेडीयू का आरजेडी के साथ जब गठबंधन हुआ करता था बिहार में, तो आप देखिए कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, ये तीन ऐसे चेहरे कहीं ना कहीं बनकर उभरे थे। और वहीं नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, जिनकी अब खासा तौर पर नीतीश कुमार ने राजनीति में एंट्री कराई है, लेकिन लंबे समय से निशांत कुमार राजनीति में एक बड़ी भूमिका, निर्णायक भूमिका कहीं ना कहीं निभाते, अपने पिता के चिन्ह पर ही, पिता के ही आप देखें पद चिन्हों पर ही कहीं ना कहीं चलते नजर आ रहे हैं। ये वो तीन ऐसे चेहरे थे नीतीश कुमार के साथ, तेजस्वी और लालू का नाम जो मैंने जिक्र करा, ये बिहार के कुछ ऐसे चेहरे थे जिन चेहरों पर कहीं ना कहीं जनता का अटूट भरोसा था। लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार ने, जैसा आपने बोला कि नीतीश कुमार सबके हैं या बीजेपी के हैं, देखिए समय तो था जब नीतीश कुमार सबके हुआ करते थे, लेकिन फिर एक वो समय भी आया जब नीतीश कुमार को केवल अपनी गद्दी बचानी हुआ करती थी, और केवल गद्दी बचाने के लिए साल 2019 में भी एनडीए के साथ गठबंधन करा, फिर गठबंधन तोड़ा, फिर उसके बाद आरजेडी की ओर ही बिहार में गए, क्योंकि विधानसभा चुनाव आने वाले थे। एक बार फिर 2024 का समीकरण बना, 2024 में भी नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ, चलिए आरजेडी के साथ तो गठबंधन था ही नहीं इस बार, लेकिन एक बार फिर से पलटी मारी कहीं ना कहीं, जो आरजेडी इस बात की आप देखिए आस लगाए बैठी थी कि अब तो नीतीश कुमार हमारे पास ही आएंगे, लेकिन चाचा नीतीश चले गए एनडीए की तरफ। आप देखिए एनडीए में गठबंधन में नीतीश कुमार भले ही शामिल हुए, लेकिन 2019 जैसा समीकरण 24 में नहीं बना। 2024 में आप देखिए जिस हिसाब से रहमो करम के तहत ही नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के चलते एनडीए में बहुमत का जो आंकड़ा कहीं ना कहीं पार हुआ है, जो सरकार कहीं ना कहीं बनाई है, उसमें नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका है। लेकिन अब नीतीश कुमार की जो नाराजगी है वो बढ़ती जा रही है। आप देखिए नीतीश कुमार जिस हिसाब से बीजेपी से नाराज है कि उन्हें मंत्रालय नहीं सौंपा गया, बड़े मंत्रालयों की मांग करते आ रहे थे, एक भी मंत्रालय नहीं दिया गया, कारण ये बना कि उन्हें मुख्यमंत्री की गद्दी पर ही बीजेपी कहीं ना कहीं बिठाना चाहती थी। नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इस बात से खुश नहीं है, इसलिए आप देखिए हाल ही में जो अटकलों का दौर था, कहता था कि ललन सिंह कहीं ना कहीं नीतीश की जगह ले सकते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, निशांत कुमार के हाथ में जेडीयू की कमान नीतीश सौंपते जा रहे हैं, कारण ये भी है कि उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। तो ये सारा जो आप देखिए समीकरण कहीं ना कहीं बिहार में इस वक्त बन रहा है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी ने जो इस समय एक बड़ा जो अहम निर्णय कहीं ना कहीं लेते बीजेपी नजर आई है कि सम्राट चौधरी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से हटा दिया गया है। मुझे लगता है सम्राट चौधरी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से हटाने का सबसे बड़ा मुद्दा ही यही है, क्योंकि नीतीश कुमार के खिलाफ सम्राट चौधरी बोलते आ रहे थे। आप देखिए जिस हिसाब से सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के खिलाफ तमाम तरह के बयान कहीं ना कहीं सामने रखे थे, हाल ही में बिहार में जो पुल गिरने का जो मामला कहीं ना कहीं सामने आया, उसके बाद भी सम्राट चौधरी के साफ तौर पर ट्वीट सामने आ रहे थे, नीतीश कुमार वर्सेज सम्राट चौधरी कहीं ना कहीं हो गया था, जो बनाम की स्थिति बिहार में बन गई थी, इसी के चलते बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। और अब अगर नीतीश कुमार आप देखिए एक बार फिर एनडीए का साथ छोड़ देते तो 11 सीटें तो ले जाएंगे, 11 सीटें ले जाने के बाद सरकार भी गिरा देंगे, और अगर देश में इस स्थिति पे आकर एनडीए की सरकार गिर गई तो विपक्ष कहीं ना कहीं एक बार फिर से बाजी मारता नजर आएगा।
जी बिल्कुल, ऐसे में विपक्ष कहीं ना कहीं सेधमारी कर सकता है, लेकिन वहीं देखा जाए तो अंदर खाने में ही चाहे जेडीयू की बात करें चाहे बीजेपी की, सीटों को लेकर पूरी तरीके से खींचातानी मची हुई। चिराग पासवान का जो एक झुकाव है नीतीश कुमार की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं चिराग पासवान भी सीएम पद की रेस में है। और सम्राट चौधरी को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने दरकिनार किया है, बीमा भारती की फिर से वापसी हो रही है, वहीं तेजस्वी यादव अब क्या विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार को लुभाने का प्रयास करेंगे, क्या फिर एनडीए सरकार में फूट डालने की कोशिश करेंगे। जीतन राम मांझी भी रेस में है, भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करते हैं। तो तमाम कहीं ना कहीं जो खिचड़ी पकती हुई नजर आ रही है बिहार में, अब देखना यही होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूती के साथ इस बार के चुनाव में आ पाती है, या फिर से नीतीश कुमार अपना एक बार परचम लहराते हुए नजर आएंगे। आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।